नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो जिस प्रश्न को हम डिस्कस करेंगे पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि एम से प्रारंभ होने वाले पांच क्रमागत पूर्णांकों का औसत के हो तो एम प्लस वन से प्रारंभ होने वाले छह पूर्णांकों का औसत क्या होगा। ठीक है, तो अब कैसे लगाएंगे। उसने कहा है कि कोई भी पूर्णांक हैं एम से शुरू हो रहे हैं और कितने हैं, पांच हैं और क्रमागत हैं। तो पहला तो एम हो गया, दूसरा एम प्लस वन होगा, एम प्लस टू होगा, एम प्लस थ्री होगा और एम प्लस फोर होगा। ठीक है, यह हमारे पांच क्रमागत पूर्णांक हो गए जो कि एम से शुरू हो रहे हैं। अब उसने कहा है कि इनका औसत कितना है, के है। हमें पता है कि पांच क्रमागत संख्याएं हो और उनका जो भी औसत हो तो वह उनके बीच वाली संख्या होती है, यानी m प्लस टू ही क्या होगा, इसका औसत होगा। औसत हमको k दिया है तो m बराबर क्या निकल के आएगा, k माइनस दो। ठीक है, ये हमें m की वैल्यू यहां से प्राप्त हो गई। अब अगली कंडीशन उसने कहा है तो m प्लस वन से प्रारंभ होने वाले छह पूर्णांकों का औसत क्या होगा। अब हमें m प्लस वन से प्रारंभ करना है, तो एक दो तीन चार पांच और ये छह। ठीक है, यह m प्लस वन से प्रारंभ होने वाले छह पूर्णांक हो गए। अब छह पूर्णांक हैं तो औसत क्या होगा, औसत इन दोनों के बीच में होगा, होगा कि नहीं होगा। अब कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ के दो का भाग लगा देंगे तो हमारा औसत निकल आएगा। तो m प्लस थ्री प्लस m प्लस फोर अपॉन टू, तो m और m मिला के कितना हो जाएगा, दो एम, और चार और तीन मिला के कितना हो जाएगा, सात बटे दो। अब यहाँ m, m की वैल्यू हमें मिल गई थी कितनी थी, k माइनस दो, तो यहाँ पर हमको k माइनस दो रख देना है। तो दो k माइनस दो प्लस सात बटे दो, दो का अंदर गुणा होगा तो दो k माइनस चार प्लस सात बटे दो, यहाँ सात में से चार जाएगा तो क्या बचेगा, तीन बचेगा, दो k प्लस तीन बटे दो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी m प्लस वन से प्रारंभ होने वाले छह पूर्णांकों का जो औसत निकल के आया वह निकल के आया 2k प्लस 3 बटे 2। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है। पहले से हमको m बराबर k माइनस 2 मिल गया था, फिर दूसरे से हमने लगाया तो इनका औसत निकल के क्या आया, 2k प्लस 3 बटे 2। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जब पांच क्रमागत संख्याएं होती हैं तो जो संख्या बीच में होती है वही उनका औसत होता है। जब संख्याएं छह हो तो जो दो संख्याएं होती हैं उनके बीच वाली संख्या औसत होती है, या इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ दें और दो का भाग लगा दें तो वही औसत होती है। तो हमने वही किया, इसको इसको जोड़ दिया और दो का भाग लगा दिया, जो आया उसमें एम की वैल्यू हमने रख दी, हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।